और मेरी जिम्मेवारी आप लोगों की सेवा करने की है, वो करूंगा हमेशा करूंगा। धमाका करने वाले जननायक जनता पार्टी की जीत निश्चित है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उप को हटाकर मुख्यमंत्री बनाए। तो कितनी बड़ी संख्या में आप लोग पहुँचे यहाँ पे? जी गणा है संख्या का 5000। बार जीतेगा हमारा विश्वास है। युवा संगठन है, सभी राजदीप भाई साहब की वोट की टक्कर में कोई है ही नहीं आज गम और को देखते हुए। अब तो टिकट सभी को मिल चुकी है, तो वहाँ से कोई टक्कर में नहीं आ पाया? कोई टक्कर में नहीं भाई। नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं BTS लाइव न्यूज। और जैसे कि हमने सुबह आप लोगों को दिखाया था कि जननायक जनता पार्टी के द्वारा अपना चुनावी कार्यालय ओपन किया जा रहा था और उसके जो शुभारंभ है अब वो यहां पर हो चुका है। हवन यज्ञ करके चुनावी कार्यालय का जो है यहां पर शुभारंभ कर दिया गया है। बड़े सारे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इस चुनावी कार्यालय का आज शुभारंभ किया गया। और अभी आप यहां पर देख सकते हैं चारों तरफ, एक बार मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी से कि चारों तरफ दिखा दे किस तरीके से महिलाओं का पूरा जो जमावड़ा है वो यहां पर लगा है, किस प्रकार से जो तमाम समर्थक यहां पर बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हुए हैं और यहां कुछ यहां पर भी लोगों का जो जमावड़ा है वो सारी चीजें हैं। और यहां पर देखिए काफी सारी महिलाएं पहुंची हैं। दूसरी तरफ दिखाएंगे तो आप देख पाएंगे किस प्रकार से जो तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। और यहां पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहां पर आप देखेंगे कि राजदीप फोगाट जो जननायक जनता पार्टी के चरखी दादरी से प्रत्याशी हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं और गाड़ी पर सवार हैं। और गाड़ी पर सवार होकर के यहां से अब इनका रोड शो शुरू होगा और रोड शो शुरू करके अपना जो दमखम है वो यहां से राजदीप फोगाट दिखाने वाले हैं और तमाम जो लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं। और जरा हम उनसे एक एक करके बात करेंगे। जी क्या लग रहा है, जी क्या माहौल बना? आप देखो जी, आपको क्या लग रहा है कितने वोटों से जीता? एक तरफा रहेंगे जी। जी क्या लग रहा है, क्या जीत दर्ज कर पाएंगे राजदीप? बिल्कुल एक साइड जीत है भाई। ईमानदारी की और पैसे वालों की लड़ाई है भाई, ये ईमानदार आदमी जीतेगा। ईमानदारी और पैसे वालों की लड़ाई यहाँ पर बताई जा रही है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ईमानदारी जीतेगी। ईमानदारी और पैसे वालों की लड़ाई दिखाई दे रही है जी? ना, यहाँ कोई ईमानदारी वाली दिखा दे रही जी। ये बिल्कुल बढ़िया आदमी है, पूरे ईमानदार व्यक्ति बहुत है, मतलब अच्छा आदमी होने के कारण इसका बहुत प्रभाव है। बढ़िया, यहाँ अच्छा आदमी होने की वजह से काफी प्रभाव है जी। शरीफ है भाई, राजदीप बहुत शरीफ है, गांव में शहर में इसका बहुत प्रभाव है, सबसे मिलके चलने वाला भाई है। भाई राजदीप सबसे ज्यादा से ज्यादा वोटा से जीतेगा, कम से कम 50,000 वोटा से जीतेगा भाई राजदीप। 50,000 वोटों से जीत की तरफ बताई जा रही है। और यहाँ पर सामने दिखा दीजिए कि किस प्रकार से अब गाड़ी में सवार होकर के राजदीप फोगाट जो है यहाँ पर अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए अब रोड शो के लिए निकलने वाले हैं। जैसे कि हम आप लोगों को दिखा रहे थे कि बड़ी संख्या में जो महिलाओं का काफिला है वो राजदीप फोगाट के समर्थन में पहुंचा। और यहां पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर पहुंची हैं। जरा जान लेते हैं यहां पर कि क्या तमाम जो चीजें हैं वो इनके द्वारा महिलाओं के द्वारा की जा रही है। जी क्या करने वाले हो राजदीप फोगाट के समर्थन में? बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। जननायक जनता पार्टी की जीत निश्चित है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उप को हटाकर मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम हरियाणा में अपनी सरकार बनाएंगे, एक गरीब कमेरे की सरकार बनाएंगे। ताऊ देवीलाल की पार्टी है जननायक जनता पार्टी। हम सभी महिलाओं के साथ हर पार्टी में अत्याचार हुआ है, मान और सम्मान गरीबों की पार्टी जननायक जनता पार्टी को हम जिताएंगे। जी,
जननायक जनता पार्टी को जिताएंगे। और यहाँ पर देखिए बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर पहुंची थी, कहाँ से पहुंचे हो? क्या करने के लिए यहाँ पर आज पहुँच पाएंगे? हाँ भाई, राज इनको वोट देने के लिए, राजदी फोगाट देने के लिए, जिताने के लिए देंगे। जी किसको जिताओगे? राजदीप को। कितने वोटों से? बहुत जने वोटों से। अच्छा, मानस है कि नहीं शाह जी? हाँ हाँ, काम करवाओ है? हाँ खूब खूब काम करवाओ। पिछली बार करवा दिए थे? पिछली बार आया है कोई ना, खूब करवाता ही। पहले भी तो विधायक रहे ना? हाँ एक साल खूब रहे, सही रहे, कच्ची जमा सही रहे हैं। युवा चेहरे भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा। जी क्या कहेंगे, राजदीप जी कैसे इंसान है? अच्छे हैं। दोगे वोट? देंगे। क्या लग रहा है राजदीप फोगाट का किस प्रकार से जीत होने वाली है? जी अच्छी धूम धड़ाका। कितनी बड़ी संख्या में आप लोग पहुँचे यहाँ पे? जी गणाए संख्या तो 5,000। जी काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं जी, बोर पहुँचते हैं जी। क्या माहौल बन रहा है राजदीप फोगाट? अच्छा माहौल बन रहा है जी, जीतेगा ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छा माहौल है, ऐसी बात नहीं है। राजदीप अब की बार जीतेगा, हमारा विश्वास है। ठीक है, तो अब की बार कितने वोटों से जिताने वाले हैं? हम जी अपनी ओर से खूब जोर लगाएंगे, वोटर भी और सपोर्टर भी हमारी ओर से, हम जीत कर आएंगे राजदीप फोगाट। और राजदीप फोगाट की वाइफ हमें शायद यहाँ पर दिखाई दे रही थी, यहाँ पर राजदीप फोगाट की वाइफ भी हमारे साथ में ही है जी। जी मैडम क्या कहेंगे अब की बार तो राजदीप जी वापस से? पहला नंबर अपना जेजेपी पार्टी जिंदाबाद जी। हाँ। तो पिछली बार नहीं लड़ पाए थे, क्या बात? वो बस कुछ अपने रीजन थे जी, तो अब की बार वो रीजन खत्म होकर के अब की बार जनता की सेवा में फिर से? जनता की सेवा में पूरा जिताएंगे, पूरा हमारे साथ है और जीतेंगे। जोश पूरा दिख रहा है? पूरा पूरा, बिल्कुल पूरा जी। यहाँ पर राजदीप फोगाट की वाइफ भी और खुद झंडा और डंडा लेकर के साथ में चल रही है जी, जी। राजदीप फोगाट की जयकार यहाँ से भी हो रही है जी। और युवा भाई बन चुकी है वोट बन चुकी है क्या? ना। तो फिर आप कैसे आए? आप कैसे आए? आ रहे हैं ऐसे स्पोर्ट में, वोट बन चुकी है? हाँ, क्योंकि राजदीप भाई साहब का लड़का मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अच्छा, हम उसकी वोट देंगे। अच्छा, आप राजदीप के जो लड़के हैं उनके दोस्त हैं आप भी? हाँ, 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 अच्छा हाँ। तो क्या करने वाले हो, कितने और बच्चों को और जो युवा है उनको? युवा संगठन है, सभी राजदीप भाई साहब की वोट देगा जी। युवा संगठन राजदीप भाई साहब की वोट देगा। और भी लोगों से यहाँ पे चलते चलते बात करते हुए चलेंगे। भाई साहब क्या स्पोर्ट दिखाई दे रहा है राजदीप भाई का? राजदीप की टक्कर में कोई है ही नहीं आज का माहौल को देखते हुए। अब तो टिकट सभी को मिल चुकी है, तो वहाँ से कोई टक्कर में नहीं आ पाया? कोई टक्कर में नहीं भाई साहब जी, कोई भी टक्कर में नहीं, कोई भी टक्कर में नहीं। बाहरी बहुमत राजदीप फोगाट यहाँ से जीत के निकलेगा और उसके स्वभाव से जीतेगा, दुष्यंत के विचारों से जीतेगा। पब्लिक एक तरफा माहौल बना चुकी है, इन सबको देख चुकी है पहले से। जैसे कल कांग्रेस की टिकट आई मनीषा सांगवान को मिली है, मजबूत कैंडिडेट बता रहे हैं उनको। कांग्रेस खुद ही अपने आप के कैंडिडेट को हरा रही है भाई साहब। अच्छा, इतनी जिस घर में 2 फुट हो जाती है ना वो घर नहीं चलता। अजीत फोगाट निर्दलीय आ गए हैं, अजीत फोगाट कांग्रेस के ही तो हैं जी। हाँ, तो इसमें सीधी सीधी बात है कि राजदीप फोगाट एक तरफा वोटों से जीत रहे हैं, इसमें क्या है? उनका फायदा यहाँ पर होगा। सुनील सांगवान भी सांगवान है और मनीषा सांगवान भी सांगवान है, सांगवानों के वोट आपसरी में डाइवर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ वैसे भी फोगाटू का हमने दादरी में, दादरी किसकी है तो फोगाटू के नाम से प्रसिद्ध है। तो क्लियर क्लियर बात है कि एक पार्टी से, एक मजबूत पार्टी से, एक युवा सोच से और आजाद जो एक कमेरे वर्ग का निशान माना जाता है बहन मायावती के विचारों से, काशीराम के विचारों से, जो चंद्रशेखर आजाद जो आए हैं, ये मतलब एक युवा सोच को प्रतीत करता है। राजदीप फोगाट दादरी से सबसे मजबूत लीडर हैं, इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, सबसे मजबूत लीडर बता रहे हैं जी। ये एक अमीरों के बीच और एक आम आदमी के बीच लड़ाई होने जा रही है। आप देख रहे होंगे करोड़ों करोड़ों की गाड़ियां घूम रही हैं, लेकिन एक आम ट्रैक्टर लेकर के, एक टेम्पू लेकर के, एक जमींदार और भाईचारे का प्रतीक जो पैदल चल करके जो लोग अपनी मेहनत के साथ आए हैं ना, ये अलग डिफरेंट है। करोड़ों की गाड़ियों में चलने वाले लोगों को लोग आज बेडरूम की राजनीति कोई नहीं कर रहा। आज जो धरातल के ऊपर चल रहा है उनकी राजनीति जिंदा है और धरातल पर उतर करके राजनीति करने वालों की ही राजनीति जिंदा रहेगी, ये बात कही जा रही है। सर क्या क्या आप कुछ मानेंगे, कितनी बड़ी जीत, बड़े पुराने समर्थक रहे हैं आप तो इनके?
सुन रहे हैं जनता पार्टी की बड़ी भारी जीत होगी। राष्ट्रीय भोगाट एक ईमानदार तरीके से करता है, वो कांग्रेस करते हैं, वो जब वे विधायक थे तो वहाँ विकास के अर्थ को काम करवाए और कांग्रेस के अंदर भी वो जो अंडरपास है रेलवे का वो हड़ताल करके अंडरपास करवाने में अहम भूमिका निभाई। जगह की चाहती और आजाद पार्टी से जो भी हमारे गाँव से पूरा फायदा मिलेगा, उनको पूरा फायदा मिलेगा। हमारा चंद्रशेखर जो है रावण आजाद और काशीराम जी की जो विचारधारा है, जो देवीलाल जी की जो विचारधारा है, अम्बेडकर की विचारधारा, वो सारी मिल करके और जनता एक जनता पार्टी जो सिंह को डिप्टी सीएम सीएम बनाने का काम यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पर एक बार दोबारा तो दूसरी तरफ दिखाएं कैसे यहाँ पर आपको हर तरफ जो है जनता एक जनता पार्टी के ही झंडे यहाँ पर दिखाई देंगे। काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं पहुंची हैं। दूसरी तरफ पीछे की तरफ दिखाएं, पीछे की तरफ दिखाएं कि किस प्रकार से जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर समर्थन में यहाँ पर आ चुके हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि पीछे की साइड में भी बड़ी संख्या में जो है अभी भी यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए अभी हमने राजदीप फोगाट जी के साथ में यहाँ पर गाड़ी में पहुंच चुके हैं और इनके साथ ही बात करेंगे कि क्या कुछ इनके जो आगे के विचार हैं, क्या कुछ इनके जो योजनाएं बनाई गई हैं। और जैसे कि आप दूसरी पार्टियों के तमाम नेता आ चुके हैं तो उसके बाद क्या कुछ करने वाले हैं राजदीप जी, क्या करने वाले हैं अब आगे का? क्योंकि आज मेरे ख्याल से मुझे पता चला कि नॉमिनेशन तो आप भर आए हैं। नॉमिनेशन वो देखा है, अभी आप जाके मैं भरूंगा नॉमिनेशन। और जिस हिसाब से आज पब्लिक है उनका प्यार है, वो साथ चल रहे हैं, वो जो मिल रहे हैं वो आप मान के चले कि आज फैसला हो जाएगा कि यहाँ से बीजेपी पार्टी की गुजार। आपने एक बात कही अपने समर्थकों के संबोधन के साथ करते हुए कि अमीरों और गरीबों के बीच में कहीं ना कहीं लड़ाई है, ईमानदारों और बेईमानों के बीच में कहीं ना कहीं लड़ाई है। ऐसा है, आपने भी देखा होगा आज गाड़ियां जो घूम रही है, करोड़ों की गाड़ियां घूम रही है कांग्रेस प्रत्याशी के साथ, और आप मेरे साथ देख रहे हैं कोई साइकिल पे है, कोई ट्रैक्टर पे है, कोई पैदल है। तो यहाँ पर सुन सकते हैं और लगातार राजदीप जो है वो अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ से चल रहे हैं। और मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी से एक बार दूसरी तरफ दिखा दें और दूसरी तरफ दिखा दें कि किस प्रकार से जो लंबा काफिला जो है वो यहाँ से चल रहा है, अपने चुनावी कार्यालय से आज ये चले हैं और चरखी दादरी के जो परशुराम चौक है वहां तक इनका जो पूरा का पूरा ये रहेगा। और यहाँ पर राजदीप जी आपसे पूछेंगे, चुनावी कार्यालय शुरू कर दिया गया है तो चुनावी कार्यालय की जैसे सुनने को मिल रहा था कि दुष्यंत चौटाला पहुंचेंगे कहीं ना कहीं चंद्रशेखर अगले चौक तक दोनों मिल जाएंगे आपको, वो लेट हो गए क्योंकि आज नॉमिनेशन बहुत ज्यादा थे पार्टी के, तो वो सारी जिम्मेवारी अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। आपके समर्थकों से हम बात कर रहे थे बड़ी जीत की, कहीं ना कहीं एक बात कह रहे हैं कि बड़ी जीत दर्ज करने वाले हैं, तो क्या उसके लिए भी आपने रूपरेखा बना दी है? रूपरेखा जनता बनाती है और जनता ने आज दिखा दिया कि छोटे से नोटिस पे कई हजार आदमी आज यहाँ पे पहुंच गए, तो आप मानना कि अगले जो हमारा रोड शो होगा वो सारे रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। तो यहाँ पर रोड शो है वो काफी जबरदस्त होता हुआ बता रहे हैं। और राजदीप जी, जैसे कि अलग अलग पार्टियों की टिकटें मिल चुकी हैं, अलग अलग प्रत्याशी आ चुके हैं, कोई पूर्व मंत्री के बेटे हैं, कोई अपने आप को बड़ा समाज सेवक कह रहे हैं, उनको लेकर के आप क्या देखते हैं कि किस प्रकार से उनकी जो टेक्निक होगी उनसे कहीं ना कहीं बचा? आप मान के चले ये लड़ाई पैसे की और ईमानदारी की है। 5-5 करोड़ में कांग्रेस की टिकट आई है, 5 करोड़ रुपए में आप मान के चले बीजेपी की टिकट आई है, और हमारी टिकट हमारी मेहनत पे, ईमानदारी पर, और एक विचार, एक सोच, एक बल और एक ही काम, सेवा सेवा सेवा। यहाँ पर बड़े दावे आप सुन सकते हैं जो राजदीप जी ने कर दिए हैं, और अब लगातार जो है ये जो रोड शो है आगे बढ़ रहा है। और हम भी आप लोगों को रोड शो दिखाते हैं कि किस प्रकार से रोड शो में जो एक बड़े समर्थकों की जो भीड़ है वो यहाँ पर उमड़ के आई है। देखा
देखा कि कितना लंबा चौड़ा काफिला जो है वो अभी यहाँ से जो सरकी दादरी के सड़कों से निकल रहा है राजदीप फोगाट का, और जननायक जनता पार्टी ने जो है अपना पूरा दमखम यहाँ पर दिखा दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों का जोश, जो समर्थकों का जोश है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और लोगों से बात करते हैं कि कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहना इनका भाई, कितना क्या समर्थन के साथ यहाँ पर बहुत ज्यादा समर्थन है। आज अगर कोई फाइट में है तो भाई राजदीप फोगाट, अगर कोई जीतेगा तो राजदीप फोगाट जीतेगा और कोई नहीं जीतेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, चुनावी कार्यालय जो लोहार रोड पर स्थित है उससे शुरुआत है, और अब ये लाला लाजपत राय चौक तक जो है इस काफिले को आगे बढ़ा दिया, रोड शो जो है आगे तक जाएगा, जबकि पहले इसको रखा गया था केवल और केवल जो परशुराम चौक था उसके बाद अब इसको भी बढ़ा दिया गया है लोगों के समर्थन को देखते हुए। जी, लोगों के समर्थन को देख करके आगे तक काफिला बढ़ा दिया है, क्या कहेंगे? लोगों की भारी भीड़ है, इसको देखते हुए दादरी शहर में पैर रखने के लिए जगह नहीं है, इसको और लंबा कर दिया गया है, क्योंकि कम से कम 15-20 हज़ार की गैदरिंग है, और भाई राजदीप फोगाट की जीत बहुत ही सुनिश्चित है, निश्चित है, सुनिश्चित हो गई है, क्योंकि भाई राजदीप फोगाट सामाजिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर बेदाग छवि के इंसान है, इसलिए भाई राजदीप फोगाट की जीत सुनिश्चित है। राजदीप फोगाट की जीत की सुनिश्चित के होने के दावे यहाँ पर कर रहे हैं, कुछ लोग इधर भी हैं, जरा इनसे भी हम जरा बात करेंगे। जी भाई साहब, क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है राजदीप भाई का? भाई साहब बोलने की जरूरत नहीं, ये जन सैलाब और ये लोगों का जोश बता रहा है कि बहुत बड़ी जीत की तरफ राजदीप फोगाट अग्रसर हो रहे हैं। जी, तो क्या कुछ अब उस उत्साह के साथ क्या कुछ लोगों को विषय बता दिए हैं आपने कि जिनको आने वाले समय में आप लोग पूरा कराने वाले हो राजदीप भाई के माध्यम से? बिल्कुल भाई साहब, पार्टी और उम्मीदवार दोनों ही एक अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे, जो जनता से सबकी राय में सारी करके हमने तैयार किया है, और मीडिया के माध्यम से भी और रैली और संवाद के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वो सारा प्रचारित कर दिया जाएगा। जी, अपना घोषणा पत्र रहेगा चरखी दादरी की चीजों को ध्यान में देखते हुए वो घोषणा पत्र जारी करने की यहाँ पर कहीं ना कहीं बात की जा रही है, और लगातार आप ये देख लीजिए कि पीछे कितना लंबा चौड़ा जो काफिला है वो यहाँ पर चल रहा है, और लगातार ये जो काफिला आगे तक पहुँचेगा, और यहाँ पर चलते चलते यहाँ पर हमारे साथ में वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, पहले के समय में शायद जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो इनसे भी जरा जान लेते। जी, दुष्यंत चौटाला और वो क्या नाम है चंद्रशेखर रावण जी के आने की बात यहाँ पर सुनने को मिली थी, क्या रहा? दुष्यंत जी अभी मोरवाड़ा के पास आ रहे हैं, उसकी सूचना आई है, यहाँ इस रोड शो में शामिल होने, आखिरी रोड शो में उसको संबोधित करेंगे, और दुष्यंत जी पहुँचने वाले हैं जी। और ये भारी जनसैलाब जो भाई राजदीप के पक्ष में, जनता पार्टी के पक्ष में चला है, इसे सारे शहर में बड़ा भारी उल्लास है, दीपावली जैसा माहौल बन गया है, और भाई राजदीप की जीत निश्चित हो चुकी है। जीत निश्चित हो चुकी है, और दिवाली जैसा माहौल यहाँ पर बता रहे हैं कि दिवाली जैसा माहौल बन गया है, और जैसे अभी जैसे ही ये आगे चौक तक पहुंचेगा काफिला, तो उसके बाद बताया जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद जी जो आजाद समाज पार्टी के से हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे, देश के सांसद भी अभी हैं वो, तो वो भी यहाँ पर पहुंचने वाला है, क्योंकि गठबंधन में जो है जननायक जनता पार्टी इस बार जो है ये जो चुनाव है वो लड़ रही है। यहाँ पर और भी लोग हैं, जरा जान लेते हैं। जी, क्या मान देंगे, कितना भारी जन समर्थन अब राजदीप फोगाट को मिलने वाला है? एकदम 100% जीत रहे हैं जी, बिल्कुल राजदीप भाई साहब जीत रहे हैं। जो दूसरे और पार्टी के लोग हैं, जैसे मान लीजिए अभी कल ही कांग्रेस ने भी अपने जो टिकट अनाउंस की, मनीषा सांगवान को वोट उन्होंने अपनी टिकट दे दी है, तो क्या लगता है? चलो वो भी संघर्ष कर रही है, वो तो 8 तारीख को पता चल जाएगा आपको जो आएगा सामने जी, लेकिन हमें पूरा विश्वास है, हम पूरी तरह स्वस्थ, उनसे मजबूत कैंडिडेट रहेंगे ये अब निश्चित, इनमें कोई दोरा है ही नहीं जी, मजबूत कैंडिडेट रहेंगे, बुजुर्गवार भी हैं, और मेरे ख्याल से हाथ में पहले से ही जननायक जनता पार्टी का जो चल्ला है वो पहन के रखे हैं। जी जी, क्या कहोगे अभी जैसे जितनी भीड़ के साथ आप लोग आज ये रोड शो निकाल रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में रहने वाला है? देखो जी, ऐसा है, टाइम आ चुका है, हर पार्टी वाले आएंगे, लेकिन हर पार्टी के ऊपर ये राजदीप फोगाट अभी है और जीतेंगे 100% जीतेंगे, ये गजब की बात है कि 100% जीतेंगे। और लगातार जो आप देख सकते हैं महिलाएं कार्यालय से चली थी, और लगातार यहां पर कार्यालय के बाद से उनका जोश आप यहां पर देख सकते हैं, लगातार नारेबाजी करते हुए और जीत के दावे करते हुए ये तमाम जो महिलाएं हैं वो यहां से चल रही हैं। और अभी हमें कुछ यहां पर जो है कुछ युवा चेहरे भी मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं, हम उन युवाओं से भी जरा जानने की, जो युवा हैं उनसे जरा जानेंगे यहां पर कि क्या कुछ है। जी, क्या लग रहा है, जीत कितनी होने वाली है?
सोमन बिशप, इसमें कोई सवाल वाली बात ही नहीं है। आप तो मेरे ख्याल से बेटी हैं उनकी, राजदीप जी की बेटी हैं ये, और आपके साथ इतना जन सैलाब निकल के आया है राजदीप जी के समर्थन में, काफी लोग निकल के आए हैं जो सड़कों पर, तो लगता है जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं उनकी कहीं ना कहीं जमानत जब्त होगी। देखिए ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, पर हम जरूर जीतेंगे और इन सब के आशीर्वाद और प्यार से जीतेंगे, और बस ऐसे ही बना रहे। शुक्रिया, थैंक यू। आशीर्वाद और प्यार से जरूर जीतेंगे, लेकिन दूसरी पार्टियों का भी जो है वो उसके लिए ऐसा कुछ पीटीआई ने कहा नहीं, लेकिन यहाँ पर पूछते हैं जी, दूसरी पार्टी के नेताओं के बारे में क्या कहना है आपका? हमारा उनके बारे में कुछ नहीं कहना, हमारे साथ सारी जनता हमारे साथ है, नारी शक्ति हमारे साथ है, बच्चे बूढ़े सब हमारे साथ है, हमारा परिवार हमारे साथ है, दूर दूर के सब हमारे साथ है, सात गामा सारे जितने भी है सब हमारे साथ है, हम जीतेंगे, पूरा जीतेंगे, बस एक ही आशीर्वाद है, आशीर्वाद है इन सब का, नारी शक्ति जिसके साथ है वो जीतेगी। जी जीतने वाले हैं, हाँ जी 100% जीतेंगे। कोई किसी तरह का कोई ये चीज नहीं था आपको दिख रही कि कोई भी आप लोगों को पीछे कहेंगे? नहीं जी, किसी तरह की कोई भी वो नहीं है कि हम किसी से पीछे हटे या पीछे हटेंगे, हम जीतेंगे 100% जीतेंगे 100% जीतेंगे। और यहाँ दूसरी तरफ में आप यहाँ पर देख लीजिए लगातार क्या कहना चाह रहे हैं जी, दादरी की एक एक महिला से पूछो, कोई पैसे की महिला नहीं है, ये सारी महिला जननायक जनता पार्टी के राजदीप फोगाट के साथ है, एक एक महिला संघर्षशील है, कोई पैसे की भीड़ नहीं है, किसी महिला से पूछ सकते हो, आज ये सारा दादरी हमारे साथ है और जननायक जनता पार्टी जीतेगी, जननायक जनता पार्टी जीतेगी। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि लगातार हम ये जो तमाम जो आपको तस्वीरें हैं वो लगातार दिखा रहे हैं, और अब ये लगातार जो तस्वीरें हम आपको आगे तक की दिखाएंगे, और उसके बाद जब चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पे पहुंचेंगे और दुष्यंत चौटाला जी पहुंचेंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है, कितनी बड़ी जो जीत है वो इस बार दर्ज करने वाले हैं, और क्या सत्ता में इस बार भी काबिज हो पाएंगे या नहीं। जैसे हम आप लोगों को दिखा रहे थे कि लगातार जो जेजेपी का जो रोड शो है वो लगातार बढ़ रहा है, और अभी उस रोड शो में हमने आपको बताया था दुष्यंत चौटाला पहुँचने वाले हैं, तो दुष्यंत चौटाला यहाँ पर पहुँच चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं काफिला पहुँच चुका है, और काफिले में आप यहां पर देख सकते हैं दुष्यंत चौटाला यहां पर मौजूद हैं, और तमाम जो लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं और अभी काफिले में ही शामिल होंगे, और जरा हम इनसे जरा बात करने का भी प्रयास करेंगे कि क्या कुछ है और क्या कुछ अब इनके द्वारा भी यहां से जो है तमाम जो आगे की रूपरेखा है वो करने वाली है। नमस्कार दुष्यंत जी, क्या कुछ योजना के साथ पहुंच चुके हैं और क्या कुछ आगे होने वाला है? से दादरी जीतेंगे, और दादरी पहले भी गढ़ रहा है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का, और आगे भी रहे जी। तो अभी आज रोड शो में भी शामिल हो रहे हैं आप, तो क्या माने कि बड़ी एक जीत यहां से दर्ज करेंगे? बिल्कुल, और दादरी पहले भी मजबूती के साथ जेजेपी का साथ देता रहा है, और आगे भी इसी मजबूती के साथ ऐसे सुन सकते हैं। अभी दुष्यंत चौटाला यहां पर पहुंच चुके हैं और अब रोड शो में शामिल हो रहे हैं, यहां पर आप बिल्कुल लाइव तस्वीरें जो हैं ये बिल्कुल सीधी तस्वीर जो है ये आप यहां पर देख पाएंगे, और जैसे ही यहां पर दुष्यंत चौटाला पहुंचे हैं तो उसके साथ ही आप यहां पर जो कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो आप यहां पर देख पाएंगे, कार्यकर्ता बड़े ही जोश में उनका स्वागत कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अब दुष्यंत चौटाला जो हैं वो राजदीप की गाड़ी के पास पहुँच चुके हैं, और राजदीप के साथ ही यहाँ पर गाड़ी में सवार होकर के जो ये आगे का जो पूरा का पूरा जो रोड शो है वो यहाँ पर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं दुष्यंत चौटाला जो है राजदीप फोगाट के साथ ही गाड़ी पर पहुँच चुके हैं, और अब यहाँ से जो है अब आगे का जो काफिला है वो शुरू होगा, और ये दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लोगों का जो जोश है वो यहाँ पर देखते ही बनता है, और दूसरी तरफ देखिएगा किस प्रकार से यहाँ पर जो है जो लोगों का जोश जो है वो आप यहाँ पर देख लीजिए कि लगातार जो है वो यहाँ पर जीत के जो दावे हैं यहाँ पर नारों के माध्यम से यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर दुष्यंत चौटाला पहुंचे हैं, तो दुष्यंत चौटाला के पहुंचते ही साथ यहां पर फूलों की वर्षा जो है वो शुरू हो चुकी है, फूलों की वर्षा कर जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और यहां पर जीत के दावे यहां पर कर रहे हैं,
और मालाएं पहना करके कहीं ना कहीं राजदीप फोगाट का भी जो यहाँ पर है स्वागत किया जा रहा है। पूरे बाजार से जो है जो पूरा काफिला निकल रहा है और इस काफिले के अंदर जो है लगातार लगातार जो लोगों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है और अब काफिला जो है आगे चलता हुआ जा रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूं चरखी दादरी लोहार रोड पर जो चुनावी कार्यालय खोला गया था वहां से ये जो काफिला है ये शुरू हुआ था और अब धीरे धीरे जो रोड शो है पूरे शहर में से निकलता हुआ और चरखी दादरी के लाला लाजपत राय चौक की तरफ बढ़ रहा है और वहां पर जाकर के ही इस को यहां पर कंप्लीट करता हुआ बताया जा रहा है। और वहां पर आपको हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो जनता के बीच में जो है वो दुष्यंत चौटाला अपना संबोधन यहां पर रखेंगे और वो तमाम चीजें आप लोगों को दिखाएंगे कि जनता के बीच में जोश भी कैसा रहेगा। जजपा गठबंधन के उम्मीदवार राजदीप फोगाट जी का नामांकन बढ़ा है और मैं मानता हूँ कि जो मार्जिन पिछली बार दादरी विधानसभा पर कम रह गया इस बार सारे साथी उसको लीड में कन्वर्ट करेंगे और इस सीट को पहले की तरह 2014 की तरह ऐतिहासिक स्वरूप में लड़कर जीतने का काम करेंगे। आज हमारे गठबंधन 85 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं और तीन ऐसे इंडिपेंडेंट साथी जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के संघर्ष के साथी रहे उनका समर्थन करने का फैसला डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने किया है। मैं मानता हूँ मजबूती के साथ हमारा गठबंधन लड़ेगा और हरियाणा प्रदेश का सरकार बनाने का काम करेगा। सीटों का इतना लेट आपने यहाँ पर किया तो ऐसे क्या कारण रहे कि राजदीप की तो शायद पहली सीट थी हरियाणा में और बालडा की जहाँ बात आती है वहाँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी देखना पड़ता है और बड़ा मजबूत फौजी साथी हमने मैदान में उतारा है। भारतीय सेना के अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल रहे हैं और मैं मानता हूं बहुत अच्छे अंतर से बाड़ा को भी जीत रहे हैं। तो हरियाणा में कैसा चुनाव मानते हैं जेजेपी गठबंधन कैसा लगता है? तो आज चुनाव शुरू हुआ है। कांग्रेस तो मैं यहाँ आ रहा था जब तक अपनी एक सीट तो सीपीआई को देगी भिवाणी को और एक सीट खुद डिक्लेयर कर बैठी दो सीटें तो डिसाइड भी नहीं कर पा रही। और ये दिखता है कि राष्ट्रीय पार्टियों के मन में भी कितनी घबराहट है क्योंकि आरोप लगे हैं कांग्रेस ने टिकट बेचने के आरोप लगे अभी तो पोल खुलेगी। जिन जिन ने 20,000 रुपए भर के आवेदन किए थे मेरे ख्याल से बालडा में 60 थे 12 लाख तो उनसे कमागी कांग्रेस और 12 लाख कमाने के बाद लोहारू से लाके उम्मीदवार उतार दिया। ये तो दिखता है कि कांग्रेस की अंदरूनी फूट कितनी बड़ी है। क्या जेजेपी अपने सिंबल बचाने के लिए चुनाव मैदान में? बिल्कुल नहीं, चुनाव जीतने के लिए है, मजबूती से लड़ेंगे मजबूती से क्योंकि INLD का भी यही हाल है सिंबल बताने की जो भी कोई दूसरी तो ये तो नाई के बाल है जोड़ी में गिरे ही गिने जाएंगे। तो 8 तारीख को रिजल्ट आएगा और हरियाणा का जनमत जो है वो जननायक जनता पार्टी का मजबूती से साथ भी देगा और जिताएगा। गोपाल कंडा भी INLD के साथ आए हैं तो, पहले बीजेपी की बात कर रहे थे तो बीजेपी ने उनको आखिरी दिन तक तरसाए रखा और घोषित करने के बाद फिर दूसरा रास्ता दिखाया। तो इस बार कैसा लगता है बीजेपी कांग्रेस से कैसा मुकाबला रहेगा जेजेपी का? मैं तो ये मानता हूँ कि कई सीटें बड़ी मजबूती के साथ आज जननायक जनता पार्टी जीती। क्या इस चुनाव में आपको लगता है जेजेपी अपना सरकारी तंत्र का प्रयोग करेगी? जेजेपी तो सरकार का हिस्सा भी बीजेपी तो कल इस्तीफा दे गया मुख्यमंत्री और गवर्नर साहब को लिखित में दे आए कि विधानसभा भंग कर लेनी चाहिए। दिख रहा था कि अल्पमत की सरकार है और उस घबराहट के अंदर सरकार ने नहीं चुनाव के बाद किसी के साथ गठबंधन भी कर अभी तो बहुत जल्दी है लड़ने तो जीत ले। रोड शो के माध्यम से आप लोगों ने देख लिया है कि किस प्रकार उन्होंने जो जननायक जनता पार्टी है उनके द्वारा अपना पूरा दमखम दिखाया गया है। दुष्यंत चौटाला पूर्व हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं वो यहाँ पर पहुँचे, उनके द्वारा भी यहाँ पर जनता से वोट की अपील की गई है और यहाँ पर एक साफ साफ शब्दों में ये कहा गया है कि अमीरी और गरीबी के बीच में है, कहीं ना कहीं काम करने वाले और बड़े जो घराने के जो लोग हैं जो केवल एसी में बैठ करके ही कुछ ना कुछ करने वाले हैं उनके बीच में मुकाबला होने वाला है। तो बाकी जो तमाम जो चीज़ें हैं आपने सुनी हैं और अब आप देख समझ पाएंगे कि क्या कुछ आप लोगों को करना है। हम तो आपसे यही कहेंगे कि चुनाव में पहुँचेंगे वोट जरूर कीजिएगा, आगे भी आप लोगों तक सूचनाएँ पहुँचाते रहेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS Live News को। अभी दीजिएगा इजाज़त, मैं सुमेश ढाका VTS Live News के लिए।